हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम दीपमाला। और मैं हूँ दीपमाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है एक मेकअप वीडियो। जैसा कि जो लुक अभी आप देख रहे हैं कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो ये है साड़ी मेकअप लुक। तो आप देखिए आपको ये लुक कैसा लगा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा पूरा अटायर क्या है, मैंने क्या पहना है और इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, तो आइए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरा क्लीन फेस। यहाँ मैंने क्लिनजिंग और फेस वॉश कर लिया है। ये है मेरा ग्रीन टी टोनर, जिसे मैंने खुद बनाया है DIY करके। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप इसको देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया। ये है मेरा गुड वाइब्स का क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए हो गया है मेरा मॉइस्चराइज़र कंप्लीट। यहाँ है मेरे पास बायोटिक का लिप बाम। सो मैंने अपने लिप्स भी मॉइस्चराइज कर लिए हैं। अब देन मेरे पास है गुड वाइब्स का आंगन ऑयल। ये लगाने से जो है मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही अच्छा दिखता है, और मेकअप जो है हमारे पोर्स में भी नहीं जाता, स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। सो मैंने ये लगा लिया है आर्गन ऑयल अपना। और यहाँ है मेरे पास लैकमे का फेस प्राइमर। हमारे फेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमर लगाना। सो यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब है मेरे पास मैबलिन का फाउंडेशन। सो मैं इसे लगाऊंगी अपने हैंड के बैक साइड पे, मैंने ले लिया है, ले रही हूँ मैं इसे। और देन इसके बाद डॉट्स की हेल्प से मैं इसे अपने पूरे फेस पर स्प्रेड कर दूंगी, और उसके बाद जो है हम इसे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने स्प्रेड कर दिया है। और अब यहाँ पर है मेरे पास फाउंडेशन ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और हमें फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना होता है, जिससे कि मेकअप का बेस काफ़ी अच्छा दिखे। और बेस अगर अच्छा होता है तो पूरा मेकअप जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सो यहाँ पर हो चुका है फाउंडेशन। अब मैं कर रही हूँ लैकमे का लूज पाउडर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, रोज़ पाउडर। सो ये मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने नेक पे और फेस पे अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर है मेरा बेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी थ्रेडिंग्स को ब्रश कर रही हूँ, देन इसके बाद मैं इन्हें फिल करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं इन्हें फिल कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, और मैं इन्हें फिल कर रही हूँ ब्लू हेवन के। यहाँ मैं इन्हें फिल कर रही हूँ ब्लू हेवन के जो है काजल से, और ये जेल काजल है। सो ये थ्रेडिंग को फिल करने के लिए काफ़ी अच्छा जाता है। सो मैं उससे शेप दे रही हूँ अपनी थ्रेडिंग्स को। तो यहाँ पर वो भी मेरा हो गया है। ये ब्लू हेवन का काजल था, और ये बुली की हेल्प से मैं सारे प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे या फिर प्रोडक्ट कहीं पर भी एक सा इकट्ठा सा ना दिखे। यहाँ पर है ये मेरा आई शेडो पैलेट, यहाँ से लिया है मैंने लाइट ब्राउन शेड। ये देखिए, पिक किया है मैंने बेस के लिए लाइट ब्राउन शेड। सो यहाँ पर देखिए, कॉर्नर पर रख कर कलर को, और फिर हमें अपने जो है आई एरिया पर स्प्रेड करना है। ये देखिए, हमें बहुत अच्छे से कलर को जो है ब्लेंड करना होता है, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, और कॉर्नर पे कलर को रखना होता है, जिससे कि एक पॉइंट निकल कर आता है बहुत अच्छा सा। अभी आप देखिएगा लास्ट में। अब मैंने लिया है ब्लैक कलर, पिक किया है मैंने अपने पैलेट में से, और ये देखिए काफ़ी अच्छा सा शेप निकल कर आ रहा है मेरे शेडो का। तो मैं यहाँ पर, मैंने पहले बेस के लिए लिया था लाइट ब्राउन, फिर मैंने अपने हाफ एरिया पर लगाया ब्लैक, और उसके बाद मेरे पास है कुछ सिल्वर वाइट सा ग्लिटरी सा कलर। सो वो अप्लाई किया है मैंने, बिकॉज मेरी ब्लैक साड़ी है तो मैंने कुछ स्मोकी सी आईज़ क्रिएट की हैं, बट मैं फुल नहीं रखना चाहती थी स्मोकी। सो मैंने हाफ एंड हाफ में उसे लुक दिया है, और बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना होता है टाइम देकर। सो यहाँ पर हो गया है मेरा, और मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है दोनों कलर्स को। और ये है मेरा NYB का लाइनर। अब मैं करूँगी इसे अप्लाई लाइनर को। तो ये देखिए, मैं कर रही हूँ अपना लाइनर अप्लाई।
यहाँ मैं दोनों आईज में लगा चुकी हूँ अपना लाइनर। और देन इसके बाद मेरे पास है ये मेबलिन का मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है इस, ये जो है बिल्कुल फॉल्स आईलैशेस जैसा लुक देता है ऑलमोस्ट। तो ये अप्लाई कर रही हूँ मैं अपनी अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे, दूसरी आईज पे भी लगा लूँगी मैं। देन इसके बाद है मेरे पास मेबलिन का पैलेट, और यहाँ से मैं कॉन्टोर कलर ले रही हूँ और करूँगी अपने फेस को पहले कॉन्टोर। सो देखिए, पहले मैं अपने चिक्स कॉन्टोर किए मैंने, देन उसके बाद मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने चिन कॉन्टोर कर रही हूँ, और देन फिर फोरहेड एरिया में कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने से जो है हमारे फेस की कटिंग होती है और फेस का लुक बहुत ही अच्छा आता है, शेप बहुत ही अच्छा आता है। सो मैं इसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से डैपिंग मोशन में जो है ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नोज़ के लिए, और ये देखिए इसके बाद मैं ले रही हूँ अपना ब्लश, और मैं अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का ब्लश अपने चिक्स पे। तो यहाँ पर मेरा ब्लश हो रहा है। हमें जो भी प्रोडक्ट है उन्हें अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि स्किन में सेटल डाउन हो जाए। अब ये मैं लगा रही हूँ अपना हाइलाइटर सेम पैलेट से। सो मैं अपने थ्रेडिंग्स के नीचे लगा रही हूँ, बिकॉज हमने आई शेडो लगाया है तो अच्छे से निखर कर आएगा। और यहाँ पर मैंने अपनी नोज एरिया पर लगा लिया हाइलाइटर, और ये देखिए क्यूपिड बो, देन चेन, और देन ये देखिए चिक बोन्स पे लगा लिया है मैंने, और देन अपने फोरहेड एरिया पे। ये सारे जो हैं हमारे हाइलाइटेड पॉइंट होते हैं, सो हमें इन जगह पे लगाना होता है। इसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया जो है ब्लश को और अपना हाइलाइटर को, जिससे वो दोनों एक जैसे हो जाएं। ये है मेरे पास मैटमी की लिपस्टिक जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद। और यहाँ पर मेरा लिपस्टिक हो चुका है, ये देखिए ये था मेरा फाइनल लुक। और बस अब मेरी आईज में काजल बचा है, सो मैं काजल अप्लाई कर लूँगी, देन मैं इसके नीचे लगाऊंगी लाइनर। उससे क्या होगा कि हम कितनी भी देर बाहर रहें या गर्मी में या किसी पार्टी में, जो भी है कितनी भी देर हो जाए हमें, लेकिन हमारा काजल जो है वो टस से मस नहीं होगा, वैसा का वैसा हमारी आंखें रहेंगी। अब देन ये लगा रही हूँ मैं ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सर, और देन मेरा मेकअप हो गया कम्प्लीट। मेकअप फिक्सर जो है मेकअप का लास्ट स्टेप होता है। अब मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक के साथ। तो ये देखिए ये है मेरा फाइनल लुक, और ये जो साड़ी मैंने डाली हुई है ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी और मात्र 300 रुपीज़ की थी। आप चाहें तो मैंने इसका वीडियो अपने जो है चैनल पे डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, और प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये मेकअप, मेरा ये लुक कैसा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।